मेरे लिए भावुक पल हैं, ये यादगार पल हैं, स्मरणीय हैं। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि ये उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है, 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है, देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश के मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। देखिए, भारत रत्न राष्ट्रपति देता है तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो है भारत रत्न दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव जी, जिन्होंने आर्थिक सुधार सबसे जबरदस्त किए थे, और मुझे दुख है कि उनके साथ मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, इन दोनों ने आर्थिक सुधार लाए जो बाद में 2004 से 14 तक लागू हुए, उसके खिलाफ श्वेत पत्र आ रहा। तो एक तरफ तो आप उस टीम को भारत रत्न दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसी टीम की जो है आलोचना कर रहे हैं संसद में। नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, और स्वामीनाथन जी तो यहाँ पे बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक, राज्यसभा में भी हमारे साथ थे। बहुत बधाई, और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इधर बात नहीं हुई है, और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के बड़े नेता थे, पूरे देश में उनका नाम था, और किसान आज पूरे एक एक किसान पूरे देश का, खासकर उत्तर प्रदेश का, बहुत ही आह्लादित है, प्रसन्न है कि किसानों के प्रति उनके लगाव को देखते हुए, उनके संघर्षों को देखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार हम सब प्रकट करते हैं, और पूरे प्रदेश के किसानों को, देश के किसानों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। स्वामीनाथन जी ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा काम किया, बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में उनका नाम है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, और वास्तव में ये भारत के जो विज्ञान की क्षमता है उसको एक, मैं कह सकता हूँ, एक बड़ा सम्मान देने का निर्णय लिया गया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न देने की घोषणा की हुई है। प्रधानमंत्री जी का विशाल हृदय दर्शाता है कि किस ढंग से वो सबको समाहित करके एक एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे समाज में अच्छा काम किए, उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे महान भूतिया जिन्होंने समाज को, देश को, राष्ट्र को एक आयाम दिया था, और उनकी कृतियों को आज उनकी आत्मा को, और आज के दिन में सही माने में सम्मान तो दिया मोदी जी ने, दिया वादा हमारी सरकार ने कि बिना जो भी इस तरीके से काम करेगा उसको भविष्य में भी मिलता रहेगा, और मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत पहले से मांग रहे थे, मैंने भी मांग को रखा था, कई बार रखा था, तो मांग पूरी हुई है, उसके लिए बधाई, उनको भी बधाई, उनको भी बधाई।